हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो साहब? और इसबार सब बढ़िया चल रहा है भाई, मजे में है ना? चलिए, हमारी जो जर्नी थी यस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस जर्नी में आगे बढ़ते। और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो हम हाइड्रोकार्बन और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज जो स्टडी करके आए, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके रिलेटेड जो डिस्कशन है ये इस लेक्चर के दौरान हम क्या करने वाले भाई, स्टडी करने वाले। तो आप सब रेडी है भाई? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। उसमें सबसे पहले आपको बोला गया है कि देयर आर मेनली फोर डिफरेंट टाइप्स टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें सबसे पहले जो मेथड रहती है दैट इज मोलेक्यूलर फॉर्मूला। मोलेक्यूलर फॉर्मूला। दूसरी जो मेथड रहती है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थर्ड वन दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड द फोर्थ वन दैट इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो दीज आर द फोर डिफरेंट मेथड, यूजिंग दैट यू कैन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले उसमें हम फर्स्ट मेथड के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट मेथड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले यहां पर हमने जो आल्केन सीरीज स्टडी की थी, फर्स्ट वन याद कर लीजिए, और उसकी जो कॉमन फॉर्मूला थी CnH2n+2 याद आ गई भाई? तो उसमें जो दो कार्बन वाला जो कंपाउंड था दैट इज इथेन, उसको यहां मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उसको हम कैसे लिखते थे? C2H6 ऐसे लिख देते थे भाई, सिंपली। Yes or not? Obviously yes. तो ये जो C2H6 लिखा, that is the molecular structure. Simple, clear? Okay. C2 की जगह मान लीजिए ये C3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? C3, 3 2 6 + 2 यानी कि 8. तो मीथेन, उसके बाद आता है इथेन, और उसके बाद थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, वैसे आप आगे बढ़ते जाइए भाई। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़े तो फिर यस। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन दैट इज इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो उसमें अभी जैसे ये इथेन को ही मैं 2E कंटिन्यूटी में एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, ताकि वो सिमिलरिटी बनी रहे और एक्सप्लेनेशन में आपको भी वो समझने में एकदम इजी हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो कार्बन और उसके साथ 6 हाइड्रोजन जो है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन कितने, 1, 2, ये 2, ये 3, इसके साथ भी ऐसे 3 जुड़े होंगे। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इफ यू मेमोराइज, हमने बताया था कि देयर आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर देयर, देन वी कैन से दैट द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, वो दोनों जुड़ के यहां पर बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही यहां पर भी कार्बन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या होगी, जनरेट होगी। यहां कार्बन कार्बन के बीच इस तरीके से बॉन्ड बनेगा भाई, कार्बन हाइड्रोजन। तो ये आप देख रहे हो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। So that is electron dot structure.
समझ में आ रही है बात? सिंपल है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पक्का श्योर? आगे बढ़ू? यस, अब बारी है थर्ड। थर्ड आपको बोला गया, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अभी ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है? यस, ये सिंपल ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर मैं क्या लगा देता हूं? बॉन्ड की साइन लगा देता हूं। जेम्स बॉन्ड वाला नहीं भाई, यहां मैं क्या लगा देता हूं? बॉन्ड की साइन लगा दूंगा। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा है भाई। और इसके बीच में ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, एस्केप हो गया था, ऐसा है, ऐसा हो गया। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला। समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम बॉन्ड फॉर्मेशन बता देंगे, इलेक्ट्रॉन जो डॉट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें से पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर मान लीजिए वन पैर है तो वन बॉन्ड, टू पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, थ्री पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल है ना, क्लियर है भाई? श्योर, आगे बढ़ू। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है, वो इसी को यहां से मैं क्या कर देता हूँ, फोर्थ को इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो उसमें क्या है? उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि हर बार इतना बड़ा लिखना, ये तो अभी दो कार्बन तक है, मान लीजिए 10 कार्बन तक अब चले गए, ये तो अभी और भी कम है। ओके, जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो पॉलीमर, शायद आपने नाम में पॉलीथिन बैग आप जो यूज करते, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ओके, तो इतने सारे जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाते तो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और वो टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो उसको मैं सिंपली कैसे लिख दूं? तो वो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगी, और उसमें हम इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पे अटेंशन। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा CH3 बॉन्ड CH3, ऐसे सिंपल, भाई वन कार्बन उसके साथ थ्री हाइड्रोजन इज कनेक्टेड, सेकेंड कार्बन उसके साथ भी थ्री हाइड्रोजन इज कनेक्टेड, इसलिए इसके जगह पर मान लीजिए फोर कार्बन है, फाइव कार्बन एटम है, एट कार्बन एटम है, तो उस हिसाब से वहां आप लिखते जाओ। तो ये इसकी कंपैरिजन में ये लिखना इजी हो गया है कि नहीं? बढ़िया, पक्का? तो दीज आर दी फोर डिफरेंट मेथड यूजिंग दैट वी कैन रिप्रेजेंट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रही है बात भाई? पक्का श्योर, लॉक कर दो इन बातों को इधर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इन दिस वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द होमोलोजियस सीरीज। मैथ्स में तो सीरीज आती ही है भाई, और अभी वनडे या आईपीएल सीरीज तो अभी ब्रेक हो गई है, टू बी कंटिन्यूटी में आगे आएगी, बट अभी ये कुछ एंटरटेनमेंट का है नहीं, तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं भाई। तो ये सीरीज क्या है मेल है तो वो समझने से पहले हम जो आगे अभी स्टडी करके आए, तीन डिफरेंट सीरीज, अल्केन अल्कीन अल्काइन, याद आ रही है? तीनों की जनरल फॉर्मूला GF शॉर्ट फॉर्म अब याद आ गया सर, है कि नहीं? तो वो अल्केन्स, उसकी जनरल फॉर्मूला, अल्किन्स अल्काइन्स, सभी की जनरल फॉर्मूलाज यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है कि नहीं? पक्का श्योर? यहाँ पर भी मैं इथेन जो है उसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके चलिए, तो सबसे पहले अल्किन सीरीज के लिए अल्किन्स अल्किन्स अल्काइन्स। ओके अल्किन्स अल्किन अल्काइन्स,
और जैसा मैंने बताया हम किसको अभी यूज करने वाले हैं, इथेन, यानी कि इसमें वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, CH3 CH3। ओके, एल्कीन में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर थ्री की जगह कितने हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे भाई, है कि नहीं, डबल बॉन्ड आता है ना, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन कार्बन के इन बिटवीन, और यहां सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, तीनों सीरीज के डिफरेंस, दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, अब जो मैं कहने जाने वाला हूं, पे अटेंशन ऑन इट, इसमें C2H6 लिख देते हैं, इसमें क्या लिख देते हैं, C2H4 लिख देते हैं, और इसमें क्या लिखते हैं, C2H2 लिख देते हैं। ये फर्स्ट मिथेन इथेन, ये सेकंड वाला था, दो कार्बन यानी कि इथेन, मिथेन इथेन देन प्रोपेन, यानी कि वहां पर तीन कार्बन होंगे, तो तीन कार्बन में वो हम कैसे लिखते हैं, C3H8। तो अब नाउ पे अटेंशन ऑन इट, जो मैं कहने जाने वाला हूं, ये जो C2H6 है और ये जो C3H8 है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है CH2 का है। अगेन आई रिपीट, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, और उसके साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जो ज्वाइन किए गए कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अगेन आई रिपीट, विच सीरीज की हम बात कर रहे हैं, एल्केन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो जो मीथेन के बाद यानी कि इथेन और प्रोपेन, यानी कि सेकंड और थर्ड जो तीन कार्बन वाले जो एटम है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रहता है CH2 का। ओके, ये C3H8 है, उसके बाद जो C4H10 हो जाता है, तो उसमें भी देखिए इसमें और इसमें भी डिफरेंस कितना हो गया, CH2 का होगा, यस और नॉट, समझ में आ रही है बात, यानी कि सीरीज कौन सी, अभी हम एल्कीन की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एलिमेंट है C1 से लेके, C1 भी आप ले सकते हो, C1H4 है कि नहीं, तो उसकी और C2H6 के बीच भी आप डिफरेंस चेक करेंगे, यू कैन गेट द वैल्यू CH2 आप कितने भी ले लो, तो ये पूरी सीरीज में जो जो दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम जो रहेंगे C2 C3, तो उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा CH2 का। तो नाउ पे अटेंशन ऑन दिस वन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, अगेन आई रिपीट, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये एल्केन्स है, एल्कीन्स एल्काइन्स, ये तीनों डिफरेंट सीरीज है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं एल्केन्स की, तो उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सक्सेसिव नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, CH2 ग्रुप, है कि नहीं, दिस डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोजियस, यानी कि CH2 का डिफरेंस होना कंपलसरी है कि नहीं। चलिए ये एल्केन की बात की, एल्केन्स में भी आप देख लो C2H4, उसकी जगह पर एल्केन की जो कॉमन फॉर्मूला है CnH2n, तो यहां पर दूसरा जो है यानी कि C3H क्या हो जाएगा 6, C4H क्या हो जाएगा 8। चलिए अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, ये 3H2 है यानी कि एक कार्बन प्लस है इधर C3 में, और हाइड्रोजन कितने हैं H2। ये C3 और C4 के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, ये भी कितना मिलेगा CH2, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात, तो ये जो तीनों सीरीज एल्काइन्स में भी यही होगा, चेक कर सकते हैं आप खुद ब खुद। ओके, समझ में आ रही है बात, सिंपल है ना, तो यहां पर ये जो एल्केन सीरीज है उसमें आप, जैसा मैंने बताया,
जितने नंबर ऑफ कार्बन तक आप जा सकते हो यू कैन गो, बट जो दो सक्सेसिव मेंबर्स रहते हैं उसके बीच का डिफरेंस ये CH2 ग्रुप को बिलोंग करते होना चाहिए, तो ऐसी सीरीज को हम होमोलोजियस सीरीज कहते हैं। तो ये अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स, ये सारी कैसी है भाई, इस सीरीज को बिलोंग करती है, क्योंकि उसमें सभी जो मेंबर्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप को क्या कर रहा है, बिलोंगिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई। समझ में आ रही है बात है, पक्का श्योर लॉक कर दो, आगे बढ़े इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सीरीज, उसमें सबसे पहले ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, यानी कि सेम GF, याद किया तो हाजिर हो गए अल्केन। तो अल्केन्स की GF क्या थी, CN H2N plus 2, है कि नहीं? Then alkenes, उसकी GF क्या थी, CN H2N, और then alkynes, उसकी GF क्या हुई थी भाई, CN H2N minus 2, है कि नहीं? पक्का, चलिए next। Any two consecutive members differ in their molecular formula, that is CH2 group, जो earlier slide में वही हमने discuss किया, है कि नहीं? कि उसमें जो consecutive members होने चाहिए, हाँ भी, वो conditions है। अब first carbon और four carbon के बीच का difference लोगे तो वो नहीं, first और second carbon, second and then third, third and fourth, तो ये जो consecutive carbons, sorry, जो consecutive members है उसके बीच की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितनी डिफर होनी चाहिए, CH2 ग्रुप को बिलोंग करते होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट मेंबर इज 14U, इज 14U, कैसे? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले लेते हैं मीथेन CH4, कार्बन कितना है, मास 12, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और वो कितने है 4, यानी कि टोटल 4, और ये हो जाएगा 16, ओके, देन C2H6, ओके, उसका कितना होगा, कार्बन का कितना होगा 12 plus 12, दो है ना 24, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6, यानी कि वो कितने हो गए 30, है कि नहीं? तो अब आप चेक कीजिए C2H6 और CH4 के जो मॉलिक्यूलर मास मिले उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए 14 हो रहा है, 30 माइनस 16 कर दो भाई, सिंपलेस्ट है, 14 हो रहा है कि नहीं? पक्का, समझ में आ रही है बात? और ये 14 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं उसके बीच कितना डिफरेंस है CH2 का, तो कार्बन का कितना रहता है, कार्बन का रहता है 12 और हाइड्रोजन का 1, बट यहाँ दो एटम है इसलिए वो दो, यानी कि दोनों मिला के हो जाएंगे 14, तो ये 14 के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच है, That's why दोनों के बीच मॉलिक्यूलर मास जो होगा उसमें 14U जितना क्या होगा डिफर आपको देखने को मिलेगा, और ये सभी सीरीज में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सभी को ये क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आ रही है भाई, फर्स्ट रिप्रेजेंट जनरल फार्मूला तीनों की है भाई हमारे पास, सेकेंड उसके बीच के जो कंसेक्यूटिव के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो CH2, और उसके जो कंसेक्यूटिव रहेंगे उसके बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा 14U। कैसे, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन, क्लियर है भाई, पक्का आगे बढ़ू, यस सॉरी।
all the members of the homologous series have similar chemical properties. उसकी chemical properties कैसी होगी भाई? Similar रहेगी. Alkene series में जितने भी है, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, जितने भी आप memorize कर लिए हैं, उन सारी जो है component, compound, उसकी जो chemical properties रहेगी, वो similar रहेगी भाई. Because similar structure or formula. क्यों? क्योंकि उसकी जो structural formula है, वो same है. That's why. Similar रहती है. That's why. Clear है भाई? Sure? आगे बढ़े? Yes. The members of this series show the gradual change. इस series के जो members है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा change मिलेगा. किस तरीके का? या तो वो इंक्रीज होता होगा या फिर डिक्रीज होता होगा. इन विच देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा. आइदर दैट इज इन इंक्रीजिंग मोड और दैट इज डिक्रीजिंग मोड. लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा. तो भी मेल्टिंग पॉइंट आप मान लो टॉप टू बॉटम जा रहे हो या बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हो, तो उसमें कंटिन्यूअसली मान लो इंक्रीज होती होगी या फिर डिक्रीज होती होगी. किस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हो उस हिसाब से, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. क्लियर है भाई? पक्का? बट इन शॉर्ट कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेगी बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें आपको ये ग्रेजुअली चेंज देखने को मिलेगा. भाई जैसे जैसे फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन यानी कि मीथेन उसके बाद इथेन, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी उसमें बदलाव देखने को मिलेगा. क्लियर हो गया भाई पॉइंट ये भी? आगे बढ़े. ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस सिमिलर मेथड. सिमिलर मेथड सभी में मान लो अभी ओके चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ CH4, तो उसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है वो मुझे पता नहीं है कौन सा होगा, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर प्लस CH2 कर दूँ. इसके अंदर मैं CH2 ऐड कर दूँ तो अभी क्या होगा C2H6 हो गया. तो हमें जैसे ही ये CH2 ऐड कर दिया वी गेट दिस सेकेंड कंपोनेंट. समझ में आ रही है बात? ओके अभी इसमें और मैं CH2 ऐड कर देता हूँ, वी गेट C3H8 यानी कि वो थर्ड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये थर्ड कंपोनेंट मिल गया भाई हमें. समझ में आ रही है? तो ऑल द मेंबर्स सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सिमिलर मेथड. तो सिमिलर मेथड कौन सी हुई कि ईच जो फर्स्ट वन हमारा जो एलिमेंट है उसमें आप CH2 ऐड करते जाओ, दूसरे में CH2 ऐड करते जाओ, ऐसे वैसे वन बाय वन. व्हेन यू आर एडिंग द CH2 यू कैन गेट द नेक्स्ट एलिमेंट, यू कैन गेट नेक्स्ट कंपाउंड. समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? क्लियर है? डन? चलिए तो फिर इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आई होप यू एंजॉय दिस वन. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप लॉग इन करके भी हमारे साथ बने रहते हैं. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा. लव यू ऑल. जय भारत.